बानी बड़ी बड़ी माता की जय हो। तो भंडारे में आयोजन किया जा रहा है हिमाचली धाम का। तो हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका नई मॉर्निंग के साथ। और आज है नवरात्रे, तो नवरात्रे के उपलक्ष पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी सभी को कृपा बनाए रखें। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है पुजारी जी के घर से, यहाँ पर हमने पी चाय वगैरह, और यहाँ से अभी सामान लेके जाना है ऊपर की तरफ। तो सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो पुरानी विलेज में काफ़ी शांति है, मतलब सुख सुविधाओं से तो लैस है, बट सुकून की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सुकून है यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल शांति जैसा माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मतलब क्लाइमेट इतना अच्छा है कि बंदा जैसे भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मतलब थका हुआ हो तो यहाँ पे आ सकता है और शांति ले सकता है। तो काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं हमने। कल रात को तो लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट नहीं थी और बैटरी भी थोड़े कम थी, तो उसी के चक्कर में थोड़ा शूट नहीं हो पाया, बट आज सुबह से ही थोड़ा शूटिंग चालू हुई है। तो अभी मॉर्निंग के सुबह 7 बजे हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ सामान लेके यहाँ से। तो बने रहें ब्लॉग के साथ, उसके बाद दिखाएंगे आपको मंदिर का भव्य नज़ारा, बराणी माता का भव्य नज़ारा। तो बने रहें पहाड़ी स्टार ब्लॉग के साथ और कीजिए बराणी माता का नज़ारा। मिलते हैं ऊपर। अभी रेस्ट करने की सीजन में है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट, और थके हुए हैं सभी इस टाइम। तो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और करवाते हैं आपको माता बराणी के दर्शन। फर्स्ट नवरात्रा और फर्स्ट नवरात्रे के दिन हमें माता रानी के दर्शन हुए, दर्शन होने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ, बने रहें ब्लॉग के साथ। पानी के लिए स्थान, और चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये है मंदिर का मुख्य गेट, और देखिए यार, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता बराणी जी के मंदिर, और अभी हम करेंगे दर्शन वगैरह और करेंगे माता जी का माथा टेकेंगे। तो करिए पहले नवरात्रे के दिन माता बराणी जी के दर्शन। जय माता दी। तो माता रानी मेरे सभी सब्सक्राइबर पर कृपा बनाए रखे और सभी खुश रहे, मंगल रहे। तो जय माता दी। ये जो मंदिर है ये पुराना वाला मंदिर था माता रानी का, और ये जो बना है नया मंदिर जहाँ पर आपको दर्शन करवाते हैं। जय हो माता दी। तो अभी हमारे लक्की भाई से माथा टेक रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद टेकेंगे, थोड़ा ब्लॉग शूट करें माता रानी। बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, और मंदिर देखिए आप, मंदिर का नज़ारा भाई, एकदम से शांति यहाँ पर, बिल्कुल शांति। और तो लगभग हमने दर्शन कर लिए माता रानी के, और आप लोगों ने भी कर लिए, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी
गुड लग रहा है क्योंकि पहला नवरात्र है और माता जी के दर्शन हो जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो खुशी के पल है हमारे लिए और शांति के पल है। जय बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, प्यार से बोल जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, प्राणी वाली माता की जय हो। यहाँ आने की बात की जाए तो यहाँ आने के तीन रास्ते हैं। एक आप बाया संसार होके आ सकते हैं, और एक आप बाया दरेड़, और दूसरा आप बाया जड़ग्राएं और लुलानी की तरफ से आ सकते हैं। तो हम जो आए हैं वो आए हैं दरेड़ की तरफ से, बाया दरेड़ कोसली की तरफ से। और लगभग 3 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, और काफ़ी शांति है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग ही प्लेस में आ चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर भगवान वास करते हैं ना, वहाँ पर एक अलग ही वाइब क्रिएट होती है और अलग ही है नज़ारा होता है। तो हमें भी नवरात्रि के पहले नवरात्रि के दिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो लक्की भाई जी थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और अच्छा लग रहा है हमें भी। हम भी कर रहे थे थोड़ा, पर थोड़ा मैं सोचा शूट कर लेता हूँ। तो काफ़ी योगदान दे रहे हैं सभी अपना अपना मंदिर की ओर। दादाजी नरसिंगा को बजाएंगे, तो सुनिए उसकी दबानी। फोटो वगैरह भाई लोग सारे कुछ बजा रहे हैं, इनको बजाया नहीं गया, हमने तो सिर्फ लिख लिया इसका। तो दर्शन करने के बाद पहुंच चुके हैं नीचे सराय की तरफ, और यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, मतलब जो भी बनेगा यहाँ पर बन रहा है। तो टीम लगभग सारी आ चुकी है, लगभग 16-17 बंदे रात को आ चुके हैं, और अभी आधे बंदे सुबह आ रहे हैं। तो टीम से मुलाकात करवाते हैं आपको, और करवाते हैं सराय के दर्शन। तो भंडारे में आयोजन किया जा रहा है हिमाचली धाम का, तो आप देख सकते हैं तैयारी जोर शोर से चल रही है, और काफ़ी लगे बड़े हैं सारे बिजी, देख सकते हैं आप। तो ब्लॉग में इनको भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि सामान पहुँचाने में इनका काफ़ी योगदान है, क्योंकि इनकी बदौलत ही भंडारे का सामान जो वो ऊपर पहुंचा है। तो सल्यूट है इनका आपको, और दिल से नमन, थैंक यू अपना योगदान देने के लिए। तो
इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ यहाँ अपने ब्लॉग में।